हमेशा शार्क को देख के सबकी गीली हो जाती है, लक्ष्य की भी गीली हो गई थी भाई, मैं दिखा रहा हूँ। अब शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सब अपने अपने घरों में होंगे, मौज ले रहोगे, बढ़िया से रोज ले रहोगे। तो गाइस, फिलहाल मैं खड़ा हूँ सोनीपत के मोजोलैंड में। यहाँ पे क्या है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज है, जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज है, मतलब एडवेंचर पार्क है, स्नो पार्क है, वाटर पार्क है। वाटर पार्क अभी ओपन है नहीं, सर्दियाँ हैं, लोग वैसे नहीं नहाते, सर्दियों में घंटा नहाएंगे, मतलब मजाक कर रहा हूँ, लेकिन यार सर्दियों में कौन नहाता है भाई, मतलब वाटर पार्क में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फिलहाल तो भाई मतलब व्लॉग में हम कवर करेंगे स्नो पार्क को और एडवेंचर पार्क को, मतलब व्लॉग अलग अलग ही मैं शूट करूंगा। इस व्लॉग में आप देखोगे स्नो पार्क को, ठीक है, और नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा उसमें देखोगे आप एडवेंचर पार्क को। पहले आपको मैं सारी जानकारी दे देता हूँ कि तो भाई सबसे पहले अगर मैं यहाँ का एड्रेस क्लियर करूँ इस मोजोलैंड का, तो ये पड़ता है जीटी रोड मूर्थल टोल सोनीपत हरियाणा, और सामने मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। अगर कोई डाउट एंड क्वेरी हो तो आप कमेंट भी मुझे कर सकते हैं, इनको कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो भी आप अगर आप खुद के व्हीकल से अगर आप आ रहे हो तो बेस्ट रहेगा, अदरवाइज अगर आप मतलब सरकारी व्हीकल से अगर आप बाहर जाते हो, सरकारी बस से अगर आप बाहर जाते हो, और अगर आप दिल्ली से अगर आप आ रहे हो तो बस आपको मिल जाएगी कश्मीरी गेट से, जो करनाल सोनीपत पानीपत किसी बस में बैठ जाना, उनको बोलना हमें मूर्थल टोल प्लाजा में उतार देना। 65 रुपीज़ लेगा पर पर्सन, हम दो लोग आए, 130 रुपये लेके थे हमारे, हमने टोल प्लाजा में उतर गए थे, ठीक है। उतरते ही सामने ही मोजोलैंड है, बाकी आप मतलब खुद के व्हीकल से भी अगर आप आ रहे हो ना, निशाने के लिए बता देता हूँ मैं, मूर्थल टोल प्लाजा उसके सामने ही मोजोलैंड है। तो भी यहाँ पे आपको पार्किंग भी अवेलेबल मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो भी अब बात कर लेते हैं यहाँ की टिकट प्राइसेस की। जैसे आप गर्मियों में आ रहे हो, गर्मियों में तो वाटर पार्क ओपन भी होगा यहाँ पे, अगर आप मतलब वाटर पार्क से वाटर पार्क ही ले रहे हो तो 500 रुपये की सीनियर सिटीजन की है, 600 रुपये की एडल्ट की है, एडवेंचर पार्क की 500 की है और 600 की एडल्ट की होगी, ठीक है। अगर इन दोनों का अगर आप कॉम्बो लेते हो तो 700 रुपये का इनका पड़ेगा, सीनियर सिटीजन का और बच्चों का, प्लस एडल्ट का रहेगा 800 रुपये। यही अगर आप इस कॉम्बो में अगर आप स्नो पार्क अगर आप एड ऑन करवा लेते हो तो 300 रुपये जो है आपका मतलब पड़ जाएगा, टोटल 1100 रुपये में जो है आप वाटर पार्क भी आप इंजॉय कर सकते हो, एडवेंचर भी इंजॉय कर सकते हो और स्नो पार्क भी इंजॉय कर सकते हो। उसके अलावा अभी वाटर पार्क बंद है, तो अगर आपको कॉम्बो लेना है तो कॉम्बो मिल जाएगा आपको स्नो पार्क का प्लस एडवेंचर पार्क का, वो आपको पड़ेगा 900 रुपये अगर आप एडल्ट हैं तो, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या फिर अगर आप बच्चे हैं तो 800 रुपये का पड़ जाएगा आपको। तो गाइस आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जब आप स्नो पार्क में आप जाओगे ना तो ये सेशंस हैं, तो ये 45 मिनट आपको मिलेंगे इंजॉय करने के लिए। देखो तो गाइस जब बात करें यहाँ की टाइमिंग की, तो ये मोजोलैंड है वो 10:30 बजे ओपन होगा सुबह, और शाम के 6 बजे तक भाई साहब आप मजा ले सकते हो। तो गाइस ये है स्नो पार्क की मेन एंट्री, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ के बारे में दे दी है, प्राइसेस वगैरह मैंने आपको बता दी है, कोई डाउट एंड क्वेरी रह गया हो तो कमेंट कर देना। बाकी पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप कौन कौन सी एक्टिविटी आप कर सकते हो यहाँ पे। आप सामने देखो आप, तो यहाँ पे जो है स्नो माउंटेन है, स्नो स्लेजिंग है, स्नो डांस है, स्नो स्लाइड है और स्नो फॉल है। तो अभी स्नो पार्क में एंट्री करने से पहले जो है आपको मतलब कुछ कपड़े दिए जाएंगे और ऐसे जूते दिए जाएंगे, मतलब कपड़े जो है अगर आपकी साइज के अकॉर्डिंग होंगे, पेट मोटा है तो भैया मोटी ड्रेस मिल जाएगी आपको, पेट पतला है तो उस अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। बाकी ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपको सोनीपत में मिलने वाले हैं शिमला के मजे। और गाइस आपको एक बात और बता दूं मैं, ये सारा कुछ चार्जेस में इंक्लूड ही है, आपको अलग से कुछ पैसा पैसा नहीं देना आपको। तो गाइस फिलहाल तू बोल भाई पहले यार, तो गाइस फिलहाल नहीं तू बोल ले भाई। मैं कहाँ बोला? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, सोनीपत में, लेकिन हम शिमला में जाने वाले हैं, मतलब सोनीपत के शिमला में जाने वाले हैं। तो कैसा लग रहा है भाई? बहुत मजा। फिलहाल भैया ने हमारे को ड्रेस पहना के बना दिया चोमू, भाई मैं तो लग रहा हूँ चोमू। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। और ये लग रहा है बिल्कुल, क्या लग रहा है? मैं उससे बड़ा लग रहा हूँ। एक्चुअली मैं तो चोमू नहीं लग रहा, तो सी से मुझे बड़ा होता, सी से तो वैसा लग रहा है तू। एंट्री कर रहे हैं मोजोलैंड के स्नो पार्क में भाई साहब। तो भाई ये है यहाँ का स्नो पार्क, और भाई साहब ठंड बड़ी लग रही है यार। तो गाइस देखो यार क्या नजारा लग रहा है यार, भाई साहब जबरदस्त। भाई साहब विक्की बनारस से पहले ही पहुंच गए हमारे साथ, इनको बड़ी जल्दी थी यार जाने की यार, बहुत बढ़िया। तो गाइस देखो यार पूरा दिखा देता हूँ आपको मैं यार, भाई अमेजिंग यार देखो ये। तो गाइस फिलहाल आपको मैं डांस करके दिखाऊंगा कि मैं डांस कैसे करता हूँ बर्फ में यार।
ये देखिए लक्ष्य के डांस है भाई। ओहो एकदम बिल्कुल पांडा लग रहा है। ओहो पांडा एकदम सेम टू सेम पांडा भी करता है मेरे भाई। ये देखो क्या, हम बहुत छोटे हैं सर, आपकी कला के सामने ये तो सब कुछ बहुत ही नीचा। मैं मेरी तरफ से आपको 5 लाख रुपए की भेंट देना चाहती हूँ। क्या है भाई ये क्या है? आपने ऊपर ही गिरा दिया भाई साहब, खतरनाक एकदम खतरनाक मेरे भाई। तो भाई फिलहाल हम स्लाइडिंग कर रहे हैं और स्लाइडिंग के हमारे जरूरत पड़ेगी ये, और हम जो है तुम्हें दिखाना, हम सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे और यहाँ से जो हम ऑफिस आएंगे भाई, तो एक्सपीरियंस कैसा रहेगा शेयर करता हूँ आपके साथ में यार। फिलहाल जो है ये यहाँ की इंस्ट्रक्टर है और हमें बताएंगे कि स्लाइडिंग के लिए हमें इंस्ट्रक्शन क्या चाहिए होती है, तो भी बताएंगे। तो पैसे ऐसे पकड़ने तो गाइस फिलहाल जो हम स्टॉप लाइन में बैठ गए हैं और जैसे भैया ने बताया वैसे ही बैठना है, पकड़नी है ठीक है, पकड़ लीजिए ठीक है। यहाँ पे मारको एक इग्लू मिल गया, देखो यार जैसे बर्फ में क्या होता है भालू वगैरह बैठते नहीं है किसी गुफा वगैरह में जाके, तो इसको बोलते हैं इग्लू। तो हम भी चलते हैं। तो गाइस सामने देख सकते हो आप ये सफेद भालू बैठ गया, सफेद भालू जो कैसे बैठ रहा है। तो गाइस देखो आपने सफेद भालू देखा नहीं होगा लेकिन ये तो काला भालू देख लो आप, ये मैं काला दिख रहा हूं क्या इधर? तो तू काला। तो गाइस बाकी देखो यार अंदर बर्फ ही बर्फ है। अरे बस बस आराम से भाई, आराम से, गुस्सा नहीं होते यार, कमाल गुस्सा नहीं होते भाई। हाँ तो ठीक है, तो भाई देखो यार पता नहीं कैसे बैठते होंगे भालू उसके अंदर यार, देखो बर्फ ही बर्फ है यार, ये काला भालू नहीं बैठ पा रहा थोड़ी देर भी यार। ये देखो -10 डिग्री में हम लोग 45 मिनट रुके हुए भाई, क्या बात है, कदम में तो रुक के दिखाओ। तो गाइस एक्चुअल में ना आप शार्क के मुंह में जा सकते नहीं हो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मिले शार्क, उसके मुंह में हम जा सकते हैं भाई साहब। एक्चुअल में अगर हमारे सामने अगर शार्क आ जाए ना, हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक पैंट गीली हो जाती है, लेकिन यहाँ पे मतलब पर एक डमी शार्क है उसका मजा ले सकते हैं। चलते हैं शार्क के मुंह में, देख के देखो ध्यान से लग जाएगी। ओ कैसा लगा तेरा भाई? एक नंबर का, तेरी पैंट गीली हो गई यार लक्ष्य। अरे यार गीली हो गई, क्या बोल रहे हैं? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। साहब यहाँ मजे आ रहे हैं। आप क्या पोटी कर रहे हो यहाँ पे? कौन है? क्यों है? नीचे बैठूंगा गीली हो जाएगी पैंट। मुझे लगा पोटी कर रहे हो भाई। देखो यार तो भाई देखो पीली और गीली दोनों होगी इसकी, पीली भी होगी और गीली भी होगी। तो गाइस यहाँ पे ना मतलब वॉल क्लाइंबिंग भी है देखो, तो ये भी काफ़ी मतलब बढ़िया है, लेकिन फिलहाल जो है ये भी स्टार्ट नहीं है, ये गर्मियों में स्टार्ट होती है। कहाँ तक तो जाना देखो यार वॉल क्लाइंबिंग में यार, लेकिन मज़ा बहुत आता है इसमें भाई, और ऐसा मतलब पूरी सेफ्टी है, अगर आप मतलब गिरोगे भी नहीं प्रॉपर जो है सेफ्टी के साथ आपको ये मतलब करवाएंगे ये। बाकी गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे ना बर्फ के पहाड़ बना रखे हैं, एक ये बना रखा और एक आगे बना रखा है, अगर आप मतलब इन्जॉय करते करते थक जाते हो ना तो भाई साहब यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन हाँ आपका पिछवाड़ा गीला हो जाएगा उसकी मैं गारंटी लेता नहीं, लेकिन भाई वैसे आप मतलब रेस्ट कर सकते हो इसमें ये है। तो अभी सामने आपको दो पेंगुइन नज़र में आ रही होगी, एक ये पेंगुइन होगी और ये पेंगुइन होगी, एक ये मतलब पेंगुइन ही बोलते हैं ना, बता देना कुछ गलत बोल रहा हूँ। तो देखो पेंगुइन जैसे बैठती है ना अपने मतलब एरिया में, तो वो प्रॉपर बना रखा देखो यार भाई साहब यार, मतलब आप भी मतलब पेंगुइन की तरह आप बैठ के आप मज़ा ले सकते हो बढ़िया से यार, मतलब आज भालू की तरह बैठ के देख लिया विक्की बनारसिया ने, और आप अगर आप यहाँ पे आते हैं तो पेंगुइन की तरह बैठ के देख लेना यार। तो गाइस फिलहाल तो स्नो पार्क से बाहर आ चुके हैं और बहुत ही मजा आया, सीरियसली बता रहा हूँ भाई मैं यार। तो विक्की से पूछते हैं, विक्की मजा आया भाई?
एक नंबर, बहुत मजा आया। ये वैसे तो नहाता नहीं है लेकिन इस बार नहा लिया इसने। क्या हो गया भाई? डेली नहाता हूँ मेरे भाई। अब मैं बता दूं, दिल्ली की डिग्री होती है 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री। तो मतलब 6 डिग्री पे नहाएगा नहीं, मतलब कमाल कर रहा है यार। मतलब यार ये इतने बंदे तो हफ्तों से नहीं नहाए। मैं पूछ ले भाई के, तूने नहाया? मैं मेरे पूछ रहा तू तू ही है भाई, तू तू ही है भाई यार। सुन, मेरे को सिर्फ एक दिन हुआ, तू कितने दिन से नहीं? मैं रोज ही नहाता हूं भाई। यार तो बाल ऐसे होते मेरे। अरे यार, तो वो मेरे बाल है यार, वो मेरे बाल है। वो मेरे बाल है, झूठ कितना बोलता है। तो भाई फिलहाल जो है विक्की ने इसी बहाने नहा ली है, मतलब यहाँ मतलब बर्फ गिर गई है उसके ऊपर और भालू की तरह बैठ भी गया है और इसकी बीच में निकल भी गई थी, देख लिया आपने यार। ठीक है, इसके पैंट मैंने इसकी वीडियोस में दिखाए भाई, देख लेना आप। ठीक है, तो इसकी निकल गई थी, पीली और गिली दोनों हो गई थी इसकी, तो देख लेना यार। ठीक है, अगर वो क्लिप मिस मत करना यार। ठीक है, तो अब मिलते हैं, मतलब अगले वक्त में आप एडवेंचर भी देख लोगे इसका यार। ठीक है, तो वो कल ही डाल दूंगा, नेक्स्ट डे डाल दूंगा। दोनों में प्यार देना यार। ठीक है, बाय बाय।